गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ सुचित्रा फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट SPC GCA अजमेर। इन कंटिन्यूशन विथ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, टूडे वी विल स्टडी अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज एंड स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेज। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, दिस वन CFSE इक्वल टू 0.4 एंड T2 माइनस 0.6 एन ई डेल टी प्लस ई पाई। यहाँ पर एन T2 और NE जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन T2 ऑर्बिटल्स एंड E ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो G सबस्क्रिप्ट हमने लगाया है ये आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में G सेंटर ऑफ ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर G सब्सक्रिप्शन के रूप में नहीं यूज होता है। यदि हम स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, इन दिस डायग्राम वी कैन सी कंपैरेटिवली स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की स्टडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि टेट्राहेड्रल फील्ड ज्योमेट्री होती है तो डी ऑर्बिटल्स जो ओरिजिन लेवल पे डीजेनरेट 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, जब लिगेंड्स टेट्राहेड्रली अरेंज होकर मेटल की तरफ आते हैं तो इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ई ऑर्बिटल और T2 ऑर्बिटल्स में होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ई ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पे हैं, T2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पे हैं। इन कंपेरिजन विथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हेयर वी कैन सी T2g ऑर्बिटल्स आर एट लोअर एनर्जी स्टेट एंड EG ऑर्बिटल्स आर एट हायर एनर्जी स्टेट। इसका रीजन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये स्प्लिटिंग जो है अपोजिट क्यों हो जाती है। यहाँ पे हम T2g और EG नहीं यूज करके और TE और T2 सिंबल का यूज करते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा T के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एक बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑक्टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब होती है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक ऑलमोस्ट 4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दैट मीन्स वी कैन से द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज वेरी मच लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयरफॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर यूजुअली हाई स्पिन। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग न करके आसानी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में मूव कर जाते हैं। तो आप जब D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप इसका कॉन्फ़िगरेशन E2T1 होगा बजाय कि E3T0 होने। तो हम देख सकते हैं अगर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और लास्ट टेप कॉलम में हम इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को देख सकते हैं। यदि D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसका स्प्लिटिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन E1T2 0 होगा, और स्प्लिटिंग एनर्जी यदि हम फॉर्मूले में E1 की जगह पर हम प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला देखते हैं 0.4 एन T2 माइनस 0.6 एन ई डेल टी प्लस ए पाई। ई ऑर्बिटल्स के साथ में माइनस साइन का यूज होता है क्योंकि ये लोअर एनर्जी स्टेट पे आते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, उसको हम माइनस साइन से लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा तो वहाँ पर एनर्जी गेन करेगा और उसको हम पॉजिटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि ई में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.6। तो
तो ई में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी -0.6 डेल टी हो जाती है। यदि डी टू कॉन्फिग्रेशन है तो स्प्लिटिंग के बाद कॉन्फिग्रेशन होगा ई टू टी टू जीरो और उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी -1.2 डेल टी। यदि डी थ्री कॉन्फिग्रेशन होता है तो हमने बताया कि यहाँ पे डेल टी की वैल्यू कम होने से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पर जाएगा, ई में पेयरिंग नहीं होगी तो कॉन्फिग्रेशन होगा ई टू टी टू वन। अब इसमें E2 की वजह से -1.2 जो हम देख सकते हैं डेल टी थ्री एनर्जी, T1 में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो -1.2 प्लस 0.4 इजल टू -0.8 डेल टी होगा। इसी तरह से D4 कॉन्फ़िगरेशन में स्प्लिटिंग के बाद में कॉन्फ़िगरेशन E2 T2 2 होगा और स्प्लिटिंग एनर्जी -0.4 डेल टी होगी। D5 कॉन्फ़िगरेशन में E2 T2 3 होगा, टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0.0 डेल टी होगी। इसी से ही हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी चेंज जीरो होता है, जितना एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट में जाने से स्टेबलाइज होता है उतना ही हायर एनर्जी स्टेट में जाने से डिस्टेबलाइजेशन होता है। तो टोटल स्थायीकरण ऊर्जा इक्वल टू टोटल अस्थायीकरण ऊर्जा और टोटल एनर्जी चेंज का मान जीरो सा है, ये हम D5 कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं। सेम इसी वे में हम आगे D6 D7 D8 D9 D10 की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें स्प्लिटिंग के बाद के कॉन्फ़िगरेशन है और फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज रख के हम इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि D5 के बाद में यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। D6 कॉन्फ़िगरेशन में एक ई ऑर्बिटल में पेयरिंग है तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से यहाँ पे प्लस पाई एनर्जी हो जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं +2 पाई +3 पाई +4 पाई और D10 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो +5 पाई एनर्जी होगी। इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम पढ़ चुके हैं और बेसिकली हम जानते हैं कि जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो D8 कॉन्फ़िगरेशन में बनते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं निकिल सेकंड, पैलेडियम सेकंड, प्लैटिनम सेकंड, रोडियम फर्स्ट, इरिडियम फर्स्ट, कॉपर फर्स्ट, सिल्वर थर्ड एंड कॉपर गोल्ड थर्ड एंड कॉपर आर द D8 कॉन्फ़िगरेशंस जिसमें स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। कॉपर सेकंड एंड सिल्वर सेकंड बोथ डी आयंस आर ओकेजनली फाउंड इन स्क्वायर। ये D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है इन दोनों में, तो इनमें कभी कभी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में हमने क्या देखा था, रिमूवल ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स फ्रॉम जेड एक्सिस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस डिस्ट्रूटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के यदि हम जेड ऑर्बिटल के लिगेंड्स को हटा देते हैं तो बनने वाली ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होगी। तो जेड एक्सिस पर लिगेंड के हटने से उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज आता है वो हम इस डाइग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग है। ऑक्टाहेड्रल में लोअर एनर्जी लेवल T2G, हायर एनर्जी लेवल EG, लोअर की एनर्जी को हम करते हैं रिड्यूस -0.2 डेल ओ एंड हायर एनर्जी लेवल पे जाने पर उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है +0.6 डेल ओ से। ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा हमने। अब यदि हम स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो हमने क्या देखा, T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं DXY, DYZ एंड DZX, जिसमें जेड कंपोनेंट, चूँकि हमने जेड ऑर्बिटल्स के लिगेंड्स को यहाँ से रिमूव किया है तो जिसमें जेड कंपोनेंट है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जेड ऑर्बिटल पे लिगेंड आने से रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होने से एनर्जी कम हो जाएगी। तो DXZ DYZ लोवेस्ट एनर्जी लेवल हो जाएंगे और DXY इंक्रीज हो जाएगा और इसकी एनर्जी इतनी इंक्रीज होगी कि जो EG ऑर्बिटल्स की अगेन स्प्लिटिंग होती है DZ² एंड DX² / Y² में, तो DZ² पे कोई लिगेंड नहीं होने की वजह से मिनिमम रिपल्शन है और इसकी एनर्जी कम होकर के DXY से भी कम हो जाएगी और DX² / Y² ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो ये तीन यहाँ पे लेवल्स डिफरेंट हैं,
इसको हम डेल्टा वन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा टू के द्वारा और इसको डेल थ्री के द्वारा। अब जो एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी है डिफरेंट लेवल्स पे, यदि डी एक्स जेड वाई जेड में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी एनर्जी होगी -0.51 डेलो, डी जेड स्क्वायर में आता है तो -0.43 डेलो, डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन जाता है तो -0.23 डेलो होते हैं। और हम देखते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, 1.23 इज टू मच हाई, कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आसानी से नहीं जा पाते हैं और इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई में ही हमेशा पेयर रहते हैं। ये ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिलता है और ये डी ऑर्बिटल 4s और 4p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बना करके स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कोऑर्डिनेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल डायग्राम, और स्प्लिटिंग डायग्राम इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस इज गिवन हियर। तो ऑल नॉन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पी ए टाइन आर डायमैग्नेटिक, वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में पी ए टाइन के जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। तो हम बता सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना के बता सकते हैं कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मध्य एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे पेयर हो जाते हैं और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में नहीं जाते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे जिसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक होगा। यदि हम देखते हैं इसका डी ए कॉन्फ़िगरेशन का डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये स्प्लिटिंग है डिफरेंट लेवल्स पे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले डी एक्स जेड और डी वाई जेड में आएंगे, फिर जेड स्क्वायर में आएंगे, फिर डी एक्स वाई में। अब डी एक्स वाई में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक नेचर होते हैं। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स में हैं, वहाँ का एनर्जी लेवल -0.51 डेल ओ था, तो 4 इंटू -0.51 डेल ओ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में हैं, एनर्जी लेवल 0.43 डेल ओ था, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू -0.43 डेल ओ। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल में हैं, जहाँ का एनर्जी लेवल प्लस में 0.23 डेल ओ था, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 0.23 डेल ओ। एंड प्लस पी दैट इज पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इसको 4 पाई के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गई -2.44 डेल ओ प्लस पी। द पेयरिंग एनर्जी करेक्शन इज इंक्लूडेड बिकॉज ए फ्री डे 8 आयन हैड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड करनी ही होगी, क्योंकि यदि हम फ्री डे 8 आयन देखते हैं तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब वो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है तो उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस की भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं।